रिसेंटली Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए HyperOS के साथ लेटेस्ट जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर HyperOS 1.0.2.0 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है एंड इस अपडेट के साथ हम जो है पर BGMI को टेस्ट करने वाले हैं, देखते किस तरह से यहाँ पर जो है गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। फिलहाल हमने यहाँ पर वाईफाई को एनेबल कर दिया है एंड बैटरी देख सकते हो यहाँ पर 89% के आसपास है। तो यहाँ पर हम BGMI के साथ जो है पर गेमिंग रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर जो है हीटिंग, फ्रेम ड्रॉप, परफॉर्मेंस में अगर कोई लैग होता है वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पर HyperOS का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हो एंड 88% के आसपास है। तो जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गेम जो स्टार्ट हो गया है एंड ये जो रॉम है सच में इस रॉम के साथ जो है काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा स्पेशली गेमिंग में। हमने यहाँ पर ऑफ कैमरा भी ट्राई किया है जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया है फिलहाल जो है। बाकी आप देखना डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर क्लासिक मैच खेलोगे तो शायद आपको ज़्यादा यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा, बट फिलहाल जो है काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर हम जो है हेडफोन की यूज़ नहीं कर रहे इसलिए जो है यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है। प्लस ये जो लेआउट है यहाँ पर फ़ोन का लेआउट तो नहीं है बट फिर भी बाकी आप देखो किस तरह से एक्सपीरियंस है। एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है बेंचमार्क भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है BGMI के साथ काफ़ी सही है एंड कोई भी इशू हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। एक्चुअली हम जो है नॉर्मली यहाँ पर जो HyperOS है HyperOS के साथ जो गेमिंग एक्सपीरियंस है सच में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है स्पेशली इस अपडेट के साथ। जो परफॉर्मेंस है काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हो फिलहाल हम कोई भी यहाँ पर हिटिंग को नोटिस नहीं करे हैं। इससे पहले भी हमने एक मैच यहाँ पर टेस्ट किया था। एंड बाय द वे इस अपडेट के साथ नया क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बात किया है। प्लस यहाँ पर सभी जो यहाँ पर न्यू फीचर्स है, नया UI है एंड बैटरी परफॉर्मेंस सबके बारे में हमने एक डिटेल रिव्यू अपलोड किया है। Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर एक TDM मैच खेलने के बाद कितना बैटरी ड्रेन होगा ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। हमने यहाँ पर 88% से जो है यहाँ पर गेम को स्टार्ट किया था। बाकी देखते किस तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड फिलहाल तो यहाँ पर काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई भी इशू को हम यहाँ पर नोटिस नहीं कर पा रहे। बाय द वे ये जो अपडेट है उसको यहाँ पर TRM हाइपर TR 4.0 का अपडेट है एंड यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है आपको सिंपली क्लीन फ्लैश करना होगा। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है एंड यहाँ पर नॉर्मल जो है यहाँ पर कैमरे के साइड थोड़ा सा यहाँ पर जो है वार्म हो जाता है बट फिलहाल जो है हमने यहाँ पर कोई भी इस तरह की इशू को जो है नोटिस नहीं किए है। एंड बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही से चल रहा है एंड यहाँ पर देखने वाली बात हो कि बैटरी ड्रेन कितना होता है। हम यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है पर आपके साथ जो है बेंचमार्क को भी शेयर करने वाले हैं। हमने यहाँ पर Geekbench, 3DMark अलग अलग टेस्ट को रन किया था एंड सभी के साथ किस तरह से एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करने वाले हैं। फिलहाल तो देख सकते हो काफ़ी सही यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। बाकी UI भी काफी सही है एंड यहाँ पर एक्चुअली ये जो लेआउट है जैसे आपको बताया था यहाँ पर लेआउट जो है iPad का लेआउट है, फिर भी हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। लगभग एक मैच जो है कंप्लीट हो चुका है, देखते किस तरह से यहाँ पर बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है। फिलहाल बैटरी देख सकते हो 87% के आसपास है। तो एक TDM मैच के बाद जो है लगभग 1% के आसपास बैटरी ड्रेन यहाँ पर हमने नोटिस किया है। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं बेंचमार्किंग के बारे में। तो यहाँ पर जो है 3DMark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ
1117 का जो है यहाँ पर स्कोर देखने को मिलेगा। 3D मार्क का जो स्कोर है काफी बढ़िया है, 3D मार्क के साथ जो है काफी बढ़िया स्कोर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर गिग बेंच 5.5.1 के साथ, सिंगल कोर के साथ 568, मल्टी कोर के साथ 1762 का स्कोर है। अगेन यहाँ पर सिंगल कोर मल्टी कोर का जो स्कोर है काफी बढ़िया है, एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिल जाएगा सिंगल कोर के साथ, प्लस मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से काफी ज्यादा है। प्लस यहाँ पर गिग बेंच 6.2.2 के साथ भी सिंगल कोर के साथ 752, मल्टी कोर के साथ 1858 का स्कोर है। यहाँ पर भी जो है गिग बेंच 6.2 के साथ भी सिंगल कोर से ज्यादा स्कोर है, एवरेज से ज्यादा स्कोर है सिंगल कोर के साथ, एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है मल्टी कोर के साथ भी एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिलेगा एवरेज से। तो यहाँ पर गिग बेंच 6.2, गिग बेंच 5 एंड यहाँ पर 3D मार्क सभी के साथ जो है हाइपर ओएस के साथ काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर कैमरे के साइड थोड़ा सा यहाँ पर वार्म हो जाता है, बट एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है सच में काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और एक TDM मैच को स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पर एक चीज हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले अगर आप लंबे टाइम तक गेमिंग कर गए तो आपको ज्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा, क्योंकि फोन जो है कैमरे के साइड थोड़ा सा यहाँ पर वार्म हो जाएगा, तब आपको ज्यादा जो है फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है। बाकी नॉर्मल जो है अगर आप 1 आवर के आसपास खेलोगे तो शायद आपको इतना इश्यू देखने को ना मिले, 1 आवर के आसपास आपको जो है ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल हमने कोई भी फ्रेम ड्रॉप को तो नोटिस नहीं किया है। एंड हीटिंग की अगर बात करें, हमने यहाँ पर हीटिंग को भी नोटिस नहीं किया है, काफी स्मूथ यहाँ पर UI देखने को मिल रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताना, फिलहाल तो यहाँ पर काफी सही यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हम जो स्कोप को ओपन नहीं कर पा रहे क्योंकि ये जो लेआउट है जैसे आपको बताया था बेसिकली यहाँ पर आईपैड का लेआउट है, बट फिर भी यहाँ पर फोन में काम कर रहा है तो हमने सोचा चलो ट्राई करके देखते। एंड एक्सपीरियंस तो काफी सही से काम कर रहा है। एंड यहाँ पर डेफिनेटली हाइपर ओएस के पर्टिकुलर इस अपडेट के साथ जो है परफॉर्मेंस काफी सही है। एंड यहां पर काफी सही यहां पर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। बाकी यहां पर कैमरे के साइड जो है थोड़ा सा यहां पर वार्म होना फिलहाल स्टार्ट कर दिया है। डेफिनेटली ये जो यहां पर वार्म है यहां पर विंटर का टाइम चल रहा है फिलहाल। बाकी इस अपडेट का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस अपडेट को आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। आपको रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स दोनों के साथ जो काफी सही एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एक TDM मैच के बाद जो है कितना बैटरी ड्रेन होता है ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरे के साइड जो है थोड़ा सा यहाँ पर वार्म हो गया है, बाकी यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है काफी सही देखने को मिल जाएगा। बाकी अब जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। एंड अभी फिलहाल देख सकते हैं 85% के आसपास बैटरी यहाँ पर ड्रेन हुआ है, तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था 87% से, तो यहाँ पर लगभग एक TDM मैच के बाद जो है 2% के आसपास ड्रेन हमने यहाँ पर नोटिस किया। एक्चुअली यहाँ पर 1% से 2% के आसपास है, एग्जैक्टली 1% से 2% के आसपास यहाँ पर बैटरी ड्रेन देखने को मिल जाएगा।
बाकी यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही है, यहाँ पर HyperOS के साथ एक्सपीरियंस आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। बाकी HyperOS के साथ जितने भी फीचर्स है, जो कस्टमाइजेशन फीचर्स है, सभी यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो लगभग यहाँ पर देख सकते हो एक मैच खत्म हो गया है। एंड यहाँ पर बैटरी जो है 85% के आसपास देखने को मिल रहा है, तो एक TDM मैच के बाद आपको जो है 1% से 2% के आसपास ड्रेन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो HyperOS का जो अपडेट है काफ़ी सही अपडेट है। इस अपडेट के साथ आपको जो है काफ़ी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, प्लस इस अपडेट को आप डेफिनेटली एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।